और अब चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं। जो भी संबंध है हमारे राजनीतिक, वो तैयार नहीं हुए, कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। इन जेजेपी 4-4-2 के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा जी 7-2-1 करेंगे, कांग्रेस 6-3-1 करेंगे। जब 6-3-1 के लिए हमने कहा कि ठीक है, आप हमको 2 सीट देना चाह रहे हो, हम हरियाणा में हम 1 सीट तैयार हैं, तो आपको वही 7 मिल जाएंगी, 6 मिल जाएंगी उस तरह से। फिर भी वो तैयार नहीं हुए। फिर फाइनली 6-3-1 के बाद में जब कांग्रेस फिर से मुकर गई, कांग्रेस ने कहा कि साहब हम जेजेपी को केवल 2 सीट देंगे। हमने उनसे बात की दुष्यंत चौटाला जी से, क्योंकि मोदी को हमारा मकसद सीटों के गणित नहीं देखना कि 1 सीट किसके पास जा रही है, 2 सीट किसके पास जा रही है। हमारा गठबंधन के लिए, राजनीति के लिए तैयार होने का एकमात्र मकसद था कि मोदी अमित शाह की जोड़ी को, पहले हम 33 की बात कर रहे थे, पर समय बचा था कि कम से कम 18 सीटों पर नीचे लाया जा सके, यानी कि जीत और हार के बीच में 36 का डिफरेंस अभी भी पैदा किया जा सकता था। हम बार बार इसीलिए तैयार होते, हमने कहा 1 सीट हम छोड़ देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। उनको 6-3-1 भी स्वीकार नहीं हुआ, बोले जी 2 देंगे। हमने चौटाला जी से बात की, वो तैयार हो गए कि चलो जी ठीक है, हम भी इस इंटरेस्ट में तैयार हैं, कांग्रेस को 7 सीटें दे देते हैं, 2 पे जेजेपी लड़ लेगी और 1 पे आम आदमी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।